दोस्तों आज आपको इस वीडियो में हम ऐसे खिलाड़ी की बायोग्राफी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जागरूक हो जाएंगे। इस खिलाड़ी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हालांकि उनके पिता रामचंद्र एक पहलवान थे, लेकिन उन्हें कुश्ती में कभी दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने स्वीकार किया कि वह इससे डरते थे। काशी अपने गांव की सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे। उनके स्कूल में कबड्डी के कई खेल आयोजन हुआ करते थे और काशी भी उनमें भाग लिया करते थे। काशी अपने स्कूल की तरफ से जिला स्तर पर भी खेल चुके हैं। उनके पिता भी चाहते थे कि वो कबड्डी में ही अपना फ्यूचर बनाए, लेकिन अचानक से 2013 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद कमाने का भार काशीली के युवा कंधों पर आ गया। उन्हें खेती करनी पड़ी और बाद में एक गन्ना कारखाने में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने 8 घंटे के काम के लिए मात्र 200 रुपए कमाए। उनके जीवन में आशा की एक किरण तब आई जब उनके चाचा सुनील अडाके, एक कबड्डी खिलाड़ी, ने उन्हें मुंबई जाने में मदद की ताकि वे खेल में अपना हाथ आजमा सके। भारतीय खेल प्राधिकरण साई कबड्डी टीम के लिए आयोजित ट्रायल में अपने पहले प्रयास में उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। एक साक्षात्कार में इस परिदृश्य की स्मृति को याद करते हुए काशीली को कोच के सटीक शब्दों का हवाला देते हुए देखा गया था। उन्होंने कहा, अगली बार मेहंदी करके आना। कड़ी मेहनत और लगन के साथ वह आखिरकार आगामी ट्रायल्स के दौरान कबड्डी टीम में जगह बनाने में सफल रहे। अगले वर्ष उन्हें महिंद्रा कंपनी कबड्डी टीम द्वारा चुना गया था। काशीलिंग के अनुसार उनका करियर महिंद्रा के सी यह उनके करियर का सबसे अच्छा दौर था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 24 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्त किए। उनके चकाचौंध भरे प्रदर्शन को नोट किया गया था और यह रेलवे ही था जो भारत पेट्रोलियम के पक्ष में उन्हें ठुकराने से पहले सबसे पहले उनका पीछा कर रहा था। इसके कुछ समय बाद वह राष्ट्रीय शिविर में शामिल हो गए। प्रो कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में उन्होंने 114 अंकों के साथ रेडर्स लीडरबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ रेडर का पुरस्कार। साथ ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूसरे सीजन में तेलुगु टाइटंस के खिलाफ 45-45 के ड्रॉ में रहा। काशीलिंग ने उस मैच के दौरान 24 अंक बनाए, इस प्रकार एक खिलाड़ी द्वारा एक ही गेम में सबसे अधिक अंक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बाद में तीसरे सीजन में पटना पायरेट्स के प्रदीप नवाल ने उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मार्च 2015 में कोल्हापुर जिले के एक कबड्डी खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि काशीलिंग ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे परेशान किया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) बलात्कार, 323 हमला, 504 जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। हालांकि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। काशी के पसंदीदा खिलाड़ी अनूप कुमार है और पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन है। हौसला नहार माड़ा टाइम देख के उठी बेकैया ते जवाब देना से मनु सु में टेम ने रुआए सा घणे टेम पे भी दुखा का हिसाब लेना से।